तो का स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल्सो यूज द सेम लैंग्वेज दैट सेम लॉजिक दैट वी यूज इन गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यानी हम उसमें भी ऑब्जर्वड और एक्सपेक्टेड का देखते हैं और इसमें भी हम ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड का ही आपस में लिंक देखेंगे सो uh, so, uh, इसके अंदर हम सबसे पहले एक्सपेक्टेड फ्रीकुंस निकालेंगे और फिर एक्सपेक्टेड फ्रिकुनसेज से वही फार्मूला जो हमने का स्क्वायर गुडनेस ऑफ टेस्ट के अंदर फिट के अंदर यूज़ किया है उसी फार्मूला के तहत हम का स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे

तो हमारे पास हंड्रेड लोग हैं जिन्होंने रेड कलर चूज़ किया है और ट्वेंटी लोग हैं जिन्होंने येलो फोटी लोग हैं जिन्होंने ग्रीन और फोर्टी लोग हैं जिन्होंने ब्लू कलर चेक किया है इसी तरह हमारे पास फिफ्टी लोग हैं जो कि इंट्रोवर्ट हैं और वन फिफ्टी लोग हैं जो हमारे पास एक्सट्रोवर्ट हैं अब हम क्या करेंगे कि हम इनके मुताबिक सबसे पहले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी यानी नल हाइपोथिस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव uh, करेंगे वो कैसे करेंगे हम वो मेनली हम ऐसे करेंगे कि अगर फर्स्ट करें हंड्रेड लोगों ने रेड कलर चूज़ किया है तो हम कहेंगे कि हंड्रेड आउट ऑफ टू हंड्रेड कितने परसेंट बनता है हंड्रेड आउट ऑफ टू हंड्रेड वाट परसेंटेज इज इट सो दिस इज़ बेसिकली फिफ्टी परसेंट तो हम देखेंगे कि फिफ्टी परसेंट लोग पॉपुलेशन में रेड कलर प्रेफर कर रहे हैं इसी तरह हम हर एक के लिए टोटल uh, में से इनकी प्रोपोर्शन uh, कैलकुलेट कर लेंगे सो so, यहाँ पे मैंने इसको किया हुआ है uh, कि हम इसको कंप्लीट सेट ऑफ कलर प्रेफरेंस प्रोपोर्शन के लिए पहले हम कलर प्रेफरेंस के लिए प्रोपोर्शंस निकालेंगे फॉर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और फिर हम पर्सनैलिटी के लिए प्रेफरेंस uh, निकालेंगे फॉर द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे हमारा पहला हंड्रेड है तो इसका मतलब है फिफ्टी परसेंट ने प्रेफर किया है रेड कलर टेन परसेंट ने येलो ट्वेंटी परसेंट ने ग्रीन एंड ट्वेंटी परसेंट ने ब्लू सो ये हमारी बेसिकली एक्सपेक्टेड क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि क्या पर्सनैलिटी और कलर प्रेफरेंस का आपस में लिंक है या नहीं है सो so, हम देखेंगे कि यही प्रेफरेंस जो है वो दोनों इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के लिए अगर तो सेम है तो इसका मतलब है कि हमारा नाल हाइपोथेसिस पॉथिस एक्सेप्ट हो जाएगा अगर कोई डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि पर्सनालिटी और कलर प्रेफरेंस जो है उनके अंदर कोई रिलेशनशिप है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट सो अकॉर्डिंग टू द नाल हाइपोथिस बोथ पर्सनैलिटी ग्रुप्स शुड हैव द सेम प्रोपोर्शन फॉर द कलर प्रेफ्रेंस तो हम इसके अंदर एफ ई निकालेंगे बाई द फॉर्मूला जैसे हमने पहले भी बात की है कि हम फिफ्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी निकालेंगे हम पहले इंट्रोवर्ड के लिए कलर प्रेफरेंस निकालेंगे और फिर हम एक्स्ट्रो वर्ड के लिए कलर प्रेफ्रेंस निकालेंगे जैसे हमारे पास टोटल अगर हम इंट्रोवर्ड के लिए एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालें जो कि हमारी कॉलम रो वन में था तो 50% परसेंट हमने कहा था कि रेड जो है वो प्रेफर करेंगे तो 50% परसेंट ऑफ फिफ्टी इंट्रोवर्ड कितना बनेगा तो वो आ जाएगा पच्चीस लोग यानी पच्चीस लोगों को इंट्रोवर्ड के सैंपल में से रेड प्रेफर करना चाहिए दिस इज एक्सपेक्टेड और नल हाइपोथसिस एक्सपेक्टेशन इसी तरह टेन परसेंट लोगों ने Uh, हमारा दूसरा येलो कलर प्रेफर किया था तो फिफ्टी ऑफ टेन परसेंट कितना बनेगा वो हम निकाल लेंगे सो सिमिलरली हम इंट्रोवर्ड के लिए भी और एक्स्ट्रोवर्ड के लिए भी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज निकाल लेंगे उसी तरह से जो कि हमारा टोटल प्रोपोर्शन कलर प्रेफरेंस का टोटल सैम्पल के अंदर है uh, ये हमने उसका एक्स्ट्रो के लिए निकाल लिया हमारे पास टोटल एक्स्ट्रो वन हंड्रेड फिफ्टी थे हमने वही प्रोपोर्शन 50, 10, 20, 20. सो फिफ्टी परसेंट रेड प्रेफर करें 10 परसेंट येलो 20 परसेंट ग्रीन एंड 20 परसेंट ब्लू सो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट शुड फॉलो द सेम प्रोपोर्शन प्रेफरेंस फॉर कलर टू स्टेट के दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं सो हमारे पास टोटल एक्स्ट्रोवर्ड 150 थे तो हम 150 में से फिफ्टी परसेंट निकाल लेंगे फिर टेन परसेंट निकाल लेंगे ट्वेंटी और फिर ट्वेंटी परसेंट निकाल लेंगे लेट्स सॉल्व द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज एंड पुट दैम इन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द का स्क्वायर तो ये हमारे पास जो थे uh, सबसे पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई है कि हमने uh, ये बताना है कि हमारी जो बेसिक कलर प्रेफरेंस है वो फिफ्टी टेन ट्वेंटी ट्वेंटी ये हमारी होनी चाहिए फॉर बोथ द पर्सनलिटी टाइप्स ये हमारे पास रेड कलर है ये हमारे पास येलो कलर है ये ग्रीन है और ये ब्लू है अब हमारे पास जो इंट्रोवर्ट हैं वो हमारे पास फिफ्टी हैं और हमारे पास जो एक्स्ट्रोवर्ट हैं वो हमारे पास वन फिफ्टी हैं तो हमने फिफ्टी और वन फिफ्टी में से ये एक्सपेक्टेड फ्रीकुनसी निकाल लेनी है सो फिफ्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी निकाल लेंगे Uh, इसको 50 परसेंट को अगर हम पॉइंट फाइव कर दें तो वो परसेंट ही बन जाएगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा आ जाएगा 25. सो so, 50 परसेंट ऑफ 50 इज़ 25 और फिर हम इसका निकाल लेंगे येलो के लिए और ये पीछे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है जो मैंने अभी आपको स्लाइड्स दिखाई हैं लेकिन जस्ट फॉर योर कि ये फाइव आ जाएगा ये टेन आ जाएगा और ये भी टेन आ जाएगा सो so, अगर हमने ये वाला प्रोपोर्शन फॉलो करना है कि 50% परसेंट रेड करें 10% परसेंट येलो 20% परसेंट ग्रीन 20% परसेंट ब्लू इट शुड बी इक्वल फॉर बोथ इंट्रोवर्ड एंड एक्सट्रोवर्ड। तो इसी तरह हम 150 में से निकाल लेंगे 50%। परसेंट सो फिफ्टी परसेंट ऑफ 150 फिफ्टी विच विल बी इक्वल टू कितना बन जाएगा uh, 75 बन जाएगा तो फिफ्टी परसेंट वन फिफ्टी बन गया इसी तरह टेन परसेंट ऑफ वन फिफ्टी हमारा बन जाएगा फिफ्टीन और फिर हमारा ट्वेंटी परसेंट ऑफ वन फिफ्टी बन जाएगा थर्टी और अगेन ट्वेंटी परसेंट ऑफ वन फिफ्टी बन जाएगा हमारा थर्टी सो दीज आर द एक्सपेक्टेड काउंट्स एज पर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इट शुड फॉलो द सेम फॉर इंट्रोवर्ड एंड एक्सट्रोवर्ड अब हम फार्मूला में वैसी वैल्यूज प्लग कर प्लग इन करेंगे जैसा हमने गुडनेस ऑफ फिट के अंदर की हुई है सो हमारी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज जो डेटा के अंदर थी फॉर इंट्रोवर्ड वो थी टेन uh, लोगों ने रेड किया था तीन लोगों ने येलो पंद्रह लोगों ने ग्रीन और बाईस लोगों ने ब्लू और फिर इसी तरह एक्स्ट्रोवर्ट के अंदर भी हमारे नाइन्टी लोगों ने रेड किया था सेवनटीन uh, लोगों ने हमारे येलो ट्वेंटी फाइव लोगों ने ग्रीन एंड एटीन लोगों ने ब्लू सो दीज वर दब्जर्वड फ्रीकुनसीज फॉर इंट्रो एंड एक्स्ट्रो अब हमने एक्सपेक्टेड ऑलरेडी निकाल ली हुई है और एफ़ ई -E हमारी जो है वो ये हैं तो so, हमारी पहली के लिए ट्वेंटी फाइव आया है फिर फाइव टेन टेन फाइव टेन टेन और ये हमने निकाली हुई है सेवेंटी फाइव फिफ्टीन थर्टी एंड थर्टी तो आगे फार्मूला सिंपल है आपने वही वाला करना है एफ ओ माइनस एफ ई और ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड माइनस करेंगे स्क्वायर करेंगे उसको एफ ई पे डिवाइड करेंगे और नीचे हम उसका समेशन करेंगे तो दैट विल बी का स्क्वायर वैल्यू सो इसका मतलब है कि टेन माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव विल बी इक्वल टू कितना इट विल बी नाइन तो आप अपनी कैलकुलेटर लेकर के खुद सॉल्व कर सकते हैं जस्ट टू सेव टाइम इट्स पॉइंट एट it's 2.5 it's 4.5 um फोर आ जाएगा 0.27 आ जाएगा 0.84 आ जाएगा और 4.8 आ जाएगा सो so इस सारे का जब हम टोटल करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 35.6 यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ आल्सो एंड यू कैन गेट द एग्जैक्ट वैल्यूज मैंने जस्ट कैलकुलेट की हैं लेकिन फार्मूला आपको बता दिया है तो थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स इज़ द हमारी कैलकुलेटेड का स्क्वायर की वैल्यू अब हम इसको क्रिटिकल वैल्यू से करेंगे कंपेयर अगेन हमारी डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम जो बनेंगी वो अब uh, हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या बनेंगी कि कॉलम माइनस वन इन टू रो माइनस वन हम करेंगे सो so कॉलम हमारे पास uh, दो हैं uh, चार हैं सॉरी वन टू थ्री फोर हैं तो फोर माइनस वन और हमारी रोज इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की दो हैं तो ये हमारा बन जाएगा टू माइनस वन वन फोर माइनस वन थ्री थ्री इंटू वन इज इक्वल टू थ्री और हमारी क्रिटिकल वैल्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अल्फ़ा पॉइंट जीरो फाइव पर हमने पहले भी सॉल्व किया वो भी इतनी थी क्रिटिकल uh, वैल्यू या फिर टेबल वैल्यू हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू हमारी थी कितनी सेवन पॉइंट एट वन और हमारी कैलकुलेट जो है वो हमारी थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स इज ग्रेटर दैन का स्क्वायर टेबल वैल्यू विच इज़ सेवन पॉइंट एट वन एंड आओ यू नो के द कंक्लूजन विल भी के वी विल रिजेक्ट द नाल हाईपोथस एंड द वैल्यू इज सिग्निफिकेंट क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड बड़ी है सो वी विल रिजेक्ट द नाल हाइपोथसिस जो कह रहा था कि कलर और पर्सनैलिटी टाइप जो है वो इंडिपेंडेंट um, हैं नहीं बल्कि कलर और पर्सनैलिटी टाइप जो हैं दे आर हैविंग सम रिलेशनशिप they are not independent there are certain type of personality which is preferring a particular color so uh, chi-square स्क्वायर हमारा test of independence अगेन जहाँ पे हमने रिलेशनशिप देखना हो जब हमारे पास डेटा नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल के ऊपर हो हमारे पास डेटा फ्रिक्वेंस में हो हमारे पास मेट्रिस में डेटा हो हमारे पास रोज एंड कॉलम्स में डेटा हो एंड वी फाइन टू ट्राई टू फाइंड आउट कि रिलेशनशिप है कि नहीं है the best द बेस्ट चॉइस square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और हमने कैलकुलेट किया है और बिल्कुल फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है एफ ओ माइनस एफ़ ई स्क्वायर डिवाइड बाई एफ ई वॉट डज़ इट मीन कि आपने मेनली जब भी हम कोई भी टेस्ट स्टिस्टिक लगाते हैं इसका मतलब कि हमने उसको कन्फर्म uh, करना होता है कि हमारी जो नल हाइपोथसिस में स्टेटेड प्रोपोर्शन है क्या हमारा ऑब्जर्वड प्रोपोर्शन जो है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट वन इन स्टेटेड इन नल हाइपोथसिस सो सिंपली फार्मूला में लगा करके हमने वैल्यू टेस्ट की रिजल्ट सिग्निफिकेंट आए और इसके अलावा हमारी एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमने देखी है वो डिग्रीज़ ऑफ़ फ्रीडम की है कि जब आप का स्क्वायर टेस्ट ऑफ़ इंडिपेंडेंस कर रहे हैं तो फिर आपने डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम कॉलम और रोज में से सी माइनस वन और आर माइनस वन करके आपने करनी है सो दिस इज़ सिंपल वेरी इजी और uh, बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जब हमारे पास डेटा जैसे अभी uh, हमने एक रिसर्च किया कि जेंडर और जिसमें एग्जाम्पल भी बहुत दी है कि स्मोकिंग और जेंडर में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है तो अगेन आपका जेंडर आपका एक कॉलम में है आ, स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग आपके पास रोज़ में है तो आपका टू इंटू टू बनेगा बिकॉज डेटा इज इन फ्रीक्वेंसी सो तो द चॉइस इज का टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जहाँ पे हम रिलेशनशिप तो फाइंड आउट कर सकते हैं तो